सो हेलो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आलू और इनो से आप कैसे अपना फेस को ग्लो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने फेस पे ब्लीच कराते हैं, फेशियल कराते हैं, तो जो ग्लो पार्लर पे आता है वही ग्लो आपको इस रेमेडी में मिलेगा। ठीक है, तो कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। कैसे क्या रेमेडी को बनाना है मैं अपने फेस पे आपको लगा के दिखाने वाली हूँ, कितना क्या देर रखना है, क्या क्या चीज़ों का यूज और भी होना है इसमें। तो वीडियो को देर ना करते हुए कर देते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। टू बी कंटिन्यू मेरी ये रेमेडी फुल वॉच कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे नेक्स्ट वीडियो में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, आपको आलू बिल्कुल व्हाइट वाला लेना है, जो कि व्हाइट एकदम चिकना वाला आलू होता है वो आपको यूज करना है। कोई और भी आलू नहीं करना है, जो व्हाइट हो, ग्रीन हो, येलो हो, वो आलू नहीं यूज करना है। एकदम जो व्हाइट होता है, चिकना सा होता है, वो वाला आलू आपके फेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल सा रहता है, अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों। तो इसको ना अच्छे से छील लेते हैं, इसका छिलका उतार लेते हैं। ठीक है, आलू आप मीडियम साइज का एक छोटा सा आलू ले सकते हैं, अगर आप रेमेडी ज्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे सो गाइस, जैसे कि अगर आपके हाथ पे भी ये रेमेडी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके हाइस पे, आपके फेस पर झुर्रियाँ आ गई हैं, झुर्रियाँ आने वाली हैं, या फिर आपकी बढ़ती एज के साथ झुर्रियाँ आने की संभावना है, अगर आपके फेस पर काले तिल हैं, या फिर जैसे कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा आपके मुहासे के काले दाग हैं, या फिर जैसे कि डलनेस है और फिर शाइनिंग नहीं है, स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, तो आलू बहुत ही अच्छा फेस पे ग्लो लाने का काम करता है। तो मैंने गाइस यहाँ पे आलू का जूस निकाल ली हूँ, आपको भी इसी तरह से निकालना है। अगर आप ज़्यादा रेमेडी कर रहे हो तो आप चाहे तो ग्राइंडर से भी आप आलू को कर सकते हो, इसका जूस निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ ही क्वांटिटी में, और इनो में क्या क्या ऐड करना पड़ेगा इस रेमेडी में इनो के बाद, तो वो भी आपको मिलेगा वीडियो में देखने को। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अभी तक चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अर्चना ब्यूटी ऑफिशियल को। मेरे चैनल पे ऐसे कंटेंट वगैरह मिलते रहते हैं। तो गाइस, फिर लिया मैंने एक स्पून के लगभग गेहूं का आटा। आपके फेस पे आटे बहुत अच्छा काम करता है, जब भी आप ब्यूटी पार्लर पे जाते हो या फिर आप ब्लीच वगैरह कराते हो, ब्लीच से ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जल जाती है, आपको ब्लीच नहीं करानी चाहिए। ठीक है ना, तो ये रेमेडी जैसे हफ्ते में दो बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने एक स्पून के लगभग लिया आटा। अब लूँगी मैं आधा नींबू, यानी कि एक स्पून के लगभग मैं नींबू का जूस इसमें निकाल लूँगी। तो आपको नींबू जब भी मिलाएं या फिर कोई भी रेमेडी में, नींबू क्या करता है, नींबू आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा, जो अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा जैसे कि ड्राइनेस है या फिर डेड स्किन है, उसको निकालने में मदद करता है। नींबू में विटामिन सी होता है। और आटा में, जैसे आटा आपकी स्किन में, मैंने आटा क्यों ऐड किया है, तो आटा आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। आप चाहें तो आटा अगर नहीं ऐड करना चाहते हो तो आप बेसन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इनो कितनी क्या लेनी है, इनो की क्वांटिटी आप इस हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, वो ना बहुत ही कम ना बहुत ज़्यादा, एकदम से चुटकी भर आप ले सकते हैं। आप, मैंने हाथ पे लेकर दिखाया है, बहुत ज़्यादा इनो आपके फेस पे नहीं लगाना है। ठीक है, और इसको ना लगा के इसको मेल्ट कर लेना है, जैसे कि जो भी रेमेडी बनाई है मैंने इसमें अच्छे से इनो को मिला लेना है। ठीक है, आप चाहें तो अपने फिंगर से भी मिला सकते हैं, बट मैं स्पून से मिला रही हूँ। रेमेडी अब बनकर एकदम से रेडी हो गई है, तो बारी आती है अप्लाई करने की। तो गाइस, जैसे कि आपको फेस पे अप्लाई कैसे करना है, तो आप फिंगर या फिर फिंगर से आपके, अगर फेस पे जहाँ भी आपके फेस पे डलनेस आपको शो हो रही है, स्किन बहुत ज़्यादा लूज है, या फिर आप अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको कितने टाइम तक रखना है वो भी मैं बताऊँगी अभी, और जब भी बनाए ये रेमेडी तुरंत ही अपने फेस पे अप्लाई कर लें। ठीक है, और इसको स्टे भी रखना है फेस पे, तो इसको लगाने, ये रेमेडी आपके फेस पे क्लीनिंग का काम करती है। आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एजिंग है, उस पर बहुत ज़्यादा कालापन आ गया, आपके फोरहेड पे बहुत ज़्यादा कालापन है, तो आपको इस तरह से अप्लाई करना है। वो करने के बाद आपको स्टे करना है इसको, बनाए मिनिमम इसको रखना है आपको अपने फेस पे 10 मिनट तक। ठीक है, 10 मिनट के बाद आपको पानी से, नॉर्मल पानी से
वॉश कर लेना है आपको, उसके बाद कोई भी सॉप या फिर कोई भी आपको फेस वॉश अप्लाई नहीं करना है। जो आपके पार्लर पे आता है ब्लीच वगैरह आप कराते हो उस पर रिजल्ट आता है, वही सेम रिजल्ट आपको इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद आपके फेस पे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अप्लाई किया हुआ है। जहाँ भी आपको लगे आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डलनेस हो गई है, किलो नहीं है आपके फेस पे, तो आपके फेस पे अच्छे से किलो भी आएगा। तो इसको स्टे करना है 10 मिनट तक। तो फाइनली मैंने रेमेडी को कर लिया अप्लाई। सो गाइस, इसको लगाने के बाद जो आप जब आप ब्लीच वगैरह कराते हो तब आपको हल्की जलन टाइप की होती है, वही हल्की सी इचिंग टाइप की आपको भी लगेगी। ठीक है, तो घबराइए नहीं, थोड़ी सी हल्की सी लगेगी। आप फेशियल भी कराते हो तब भी इचिंग टाइप की हल्की सी लगती है, वही इसमें भी लगने वाली है। तो आपको इनो का प्रयोग बहुत ही कम क्वांटिटी में रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। ठीक है, तो गाइस इसको हफ्ते में कितने बार यूज करना है, तो गाइस इसको हफ्ते में एक या दो बार ही यूज कीजिएगा, और इसको मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इनो डला है तो हफ्ते में दो या एक बार ही आप यूज कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा। आप अभी देखिए जब मैं इसको रिमूव करूँगी। ठीक है, सो गाइस आज मैं किचन में वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है, तो मुझे जल्दी था इसलिए मैंने वीडियो को शूट किया हुआ है। तो चलिए हो गई है 10 मिनट, 10 मिनट के बाद मैं इसको हटा के दिखाने वाली हूँ किस तरह से आपको भी हटाना है, इसी तरह से दोस्तों आपको भी हटाना है और रिजल्ट आपको सामने दिखेगा। ठीक है, आप लोग भी अप्लाई कीजिए, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ये स्मूथ बनाती है और ग्लोइंग भी बनाती है गाइस। ठीक है, क्योंकि आलू आपके फेस को बहुत ज़्यादा गिलो बनाने में मदद करता है, स्किन में जो काले दाग, जो गाइस आपकी स्किन पे काले दाग धब्बे हैं उसको हटाने में मदद करता है आलू। तो और आटा आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनिंग बनाने में हेल्प करता है। तो गाइस इसी तरह से आप इसको पूरा हटा लेना है और आपको नॉर्मल पानी से चेहरे को वॉश कर लीजिएगा। ठीक है, सो गाइस मैंने नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लिया है। आपको इसके बाद नेक्स्ट डे आप फेस वॉश या साबुन वगैरह से आप मुंह धो सकते हैं। जिस दिन आप ये रेमेडी को अप्लाई करें उस दिन आप फेस वॉश या साबुन यूज ना करें। तो आई होप मेरी ये रेमेडी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।